रहे हैं डेजर्ट सफारी, तो मैंने अपनी एक्टिविटी बुक कर रखी है, तो मुझे जो उसकी वो है पिकअप करने वैन, वो शायद नीचे आ चुकी है, उनका मैसेज आया है। और बिल्कुल अभी अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है, सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी अभी एक पेस्ट्री खाई है। तो बस अब चलते हैं, आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ, साकिब भाई नहीं जा रहे, वो गए अपने घर, तो आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ। और आज का पूरा डेजर्ट सफारी का एक प्रॉपर व्लॉग होगा इंडिविजुअल, तो उसको पूरा रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। सो बस अब सामान उठाते हैं और चलते हैं। इसमें हम जाएंगे और कोई नहीं आ रहा, ये नंबर है आपका, ये 989, हाँ यही है, 1637, हाँ 1637, बस मैं ही हूँ और कोई नहीं आ रहा अभी, हैं अभी आप मतलब, अच्छा उनकी लोकेशन पे जाऊँगे, ओके ओके। साथ तारिक भाई हैं, हम पहुंचने वाले हैं डेजर्ट सफारी, प्लीज जस्ट से हाय। पहुंच चुके हैं, आज कितनी ज्यादा, तो अभी मैं भी करूंगा क्या कहते हैं राइड करूंगा इसकी, अभी लूंगा मैं भी इसे पहले काफ़ी नहीं चलते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पहले काफ़ी नहीं चलते हैं, यहाँ एक मार्केट टाइप बना रखी है इन्होंने। हाउ मच, हाउ मच, 30 or 50? What's the difference? It's bigger cloth, different. अच्छा ये वाला। यार मुझे रिकॉर्ड कौन करेगा, मैं तो रिकॉर्ड करवाना है भाई, एक मिनट पकड़ लेना यार, फिर से उतर रहा तो इन्हें डिगे नहीं, ये वाला वीडियो बनना चाहिए, कंप्लेन नहीं आना चाहिए मालूम, बड़ा यानी तो इंगना മുത്തു अभी अभी करके आ चुका हूँ अपनी राइड, और देखो यहाँ पे आज कितना रश हो रहा है, कितना टूरिस्ट आया हुआ है, मगर वाकई में है मज़ेदार, जो भी आया ये तो मस्ट ट्राई करना है, बिना पूछे तो करना ही करना का है। तो अब हम दूसरी एक्टिविटी के लिए जाने वाले हैं, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तो आपको आगे लगे खाना वहाँ क्या होगा। हम जा रहे हैं अपनी सेकेंड एक्टिविटी की तरफ, जब डेजर्ट सफारी के लिए जा रहे होते हैं तो इसमें ये वो है कि बच्चों को आगे बिठाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बाउंस करती है ना, तो बड़े पीछे बैठते हैं, तो यहाँ भी अभी ऐसा ही हो रहा है डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आगे, क्योंकि सीट बेल्ट होती है ना,
बच्चों को आगे बिठाने भी चाहिए। आ गए बिल्कुल घने रेगिस्तान में, ये इसे कहते हैं ना प्रॉपर। देखो मैं यहाँ पे अपने पैर मेरे धस रहे हैं इसके अंदर, वो घने रेगिस्तान जैसे कहते हैं। तब तो वसूल है, दिस इज कॉल्ड रियल डेजर्ट सफारी। वो देखो रेत के टीले दिख रहे हैं, मुँह से तो चला भी नहीं जा रहा। मैं आप भी फिसल रहा हूँ, चल रहा हूँ तो ये देखो रेत के टीले। स्ट्रगल करनी पड़ रही ऊपर जाने के लिए। मैं तो जा ही नहीं पा रहा, लोग बहुत चप्पल में अच्छा लगा मैं जूते पहने। फोटोज वगैरह सब कैप्चर कर लिए हैं, सब लिए हैं, हाथ में रेत रेत, पैरों में जूतों में रेत रेत, सब हो गए। मगर इसका भी एक अपना अलग मजा है। फोटो भी खींचता रहना, एक फोटो भी लेता रहो। हाँ बस वीडियो बनती रहेगी, फोटो भी लेते रहना। तो उसे फोटो से भी आप वीडियो निकाल, स्क्रीनशॉट की क्वालिटी कट जाती है। अच्छा दोस्त उधर से आ जाना, तुम इधर से आ जाना, वो उधर। ओके हाँ, लाइट सनलाइट इधर इधर फिर देखो, टेंशन मत लो ना, टेंशन क्यों ले रहे। हम करने जा रहे हैं सैंड बोर्डिंग, वहाँ पड़ा हुआ है। पहले तुम करके दिखाना, तुम्हें एक्सपीरियंस है ना। हाँ बोला बोला, बच गया सही में। वो तो एडिट करके उतना हम आए हैं एक दूसरी एक्टिविटी करने। अब आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है सनसेट होते हुए। अब यहाँ पे हम अपनी दूसरी एक्टिविटी करेंगे जो भी हमारी रह रही है। मौसम ठंडा हो गया क्या, जैकेट कार में रहने दो आप।
ये एक विला टाइप बसा हुआ है यहाँ पे, ऐसे कबीले होते थे ना ऐसे ही, एंट्रेंस भी इसके ऐसे ही लाइक अ कबीला। और यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा। हमारे गाइड साहब का है वेज गाइड, हम बैठेंगे यहाँ यहाँ आराम से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं हम, इसको इसको बिठा के, और अपना बैग रखता हूँ मैं साइड में। यहाँ बैग बैग रख दिया, अब इसे खोलता थोड़ा सा, अल्लाह थक गया मैं तो। Thank you.
शो हो चुका है ख़त्म, हम भी जा रहे हैं अब। चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना।